की आवाज एक दूसरे को सात समुंदर पार से ही मिल जाती है। सही हो रहा है आपके साथ। ऋषि भाई आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ प्लीज। थैंक गॉड ऋषि भाई आ रहे हैं। पर जब ऋषि भाई आएंगे और उनको नीलम मामी की बात का पता चलेगा तो कहीं हंगामा ना हो जाए यार। आई होप नॉट। पता था मुझे कुछ हुआ है। फील हो रहा था मुझे कि लक्ष्मी किसी प्रॉब्लम में। फील हो रहा था कि वो जैसे बुला रही है मुझे। फिर भी मैं उसके पास होना चाहिए था मुझे। I wish अभी पहुंच जाऊं। God, लक्ष्मी जेल में। सॉरी लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। शालू, 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 क्या? जाने दो मुझे, हटो। शालू, अगर हटना होता तो मैं यहाँ आता। मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें घर सेफली ड्रॉप कर सकूँ। चलो मेरे साथ, कम मेरे साथ। ऑटो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या ऑटो ऑटो लगाया है? मैंने बोला ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। चलो चलो मेरे साथ, कम। क्यों? ऑटो वालों की हड़ताल लगी है या फिर तुमने ऑटो चलाना सीख लिया? चलो लिसन, तुम ना ज्यादा बोल रही हो। नहीं आयुष, तुम जाओ, तुम प्लीज यहाँ से जाओगे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो तुम्हें ही डांट पड़ेगी। अरे पढ़ने दो यार, मैंने बोला ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। तो आओ मेरे साथ, मैं ड्रॉप करूंगा तुम्हें। शालू कम। किस हक से? किस हक से? किस हक से मतलब? शालू तुम और मैं, तुम मैं ऐसे हम दोनों जो भी है हमारा रिलेशन उस हक से टूट गया। हमारा रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप आज से अभी से। ब्रेकअप क्यों मैं? भैया 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 रुकिए भैया, रामनगर। अरे ऐसे कैसे? चलो भैया, क्या चलो भैया, चलो भैया लगाया हुआ है। मैं जाने नहीं दूंगा कहीं पर, मैं जाने दूंगा। मेरी लाश में से निकलो, निकलो मेरी लाश में से। आयुष तुम क्यों? अरे पर शालू नीचे उतरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयुष मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुम छोड़ो मेरा हाथ। भैया आप चलिए। अरे ऐसे कैसे चलिए, मैं जाने दूंगा। आयुष शालू तुमने जो बोलना था तुमने बोल दिया, और जो मुझे बोलना उसका क्या? नीचे उतरो, मुझे बात करनी है। तुम्हारी बात सुनने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने कहा ना ब्रेकअप, तुम उतरो उतरो। मैं जाने दूंगा ऐसे कैसे? मैंने बोला ना मैं जाने दूंगा, नहीं जानूंगा मैं। क्या कर लोगे? हे भगवान। मैडम बात कर लो ना, आप मैं यही हूँ, आप निपट लो। थैंक्स भैया, यू आर द बेस्ट। कम शालू। भैया आप यहीं रुकिए, मैं ऑटो में ही घर जाऊँ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। शालू लिसन, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ऐसे सिचुएशन ठीक थोड़ी होगी यार। ठीक है जाओ, सिचुएशन ठीक करो, अंदर जाओ पुलिस स्टेशन में और दी को छुड़वा के वापस लाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो करोगे? क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इन सब चीजों के बीच में मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ जाऊँ शालू? मैं घर पे होता तो हर कोई हर टाइम ये बोलता रहता कि मैं हर टाइम बस भाभी 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 करता रहता हूँ। तुम्हारे सामने आता तो तुम ऐसे बिहेव करती जैसे जैसे आई डोंट केयर। मैं कहाँ जाऊँ यार? अटैच हूँ मैं लक्ष्मी भाभी से, तुम्हारी बहन से। अरे बैंड बज गया मेरा यार, जब से वो अरेस्ट हुई है हालत खराब है। ये सोच सोच के कि वो अंदर जेल में और मैं यहाँ पर। माँ जैसी भाभी वो मेरे लिए। माँ जैसी भाभी का मतलब समझती हो? नहीं समझती हो? नहीं समझती हो तो देखो मेरी आंखों में। शालू मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पर लक्ष्मी भाभी को जेल से बाहर निकलवा के रहूंगा। मैंने ऋषि भाई को फोन कर दिया क्योंकि शालू अब ऋषि भाई के बिना तो मैं भी हेल्पलेस हूँ यार। और अगर ऋषि भाई भी हेल्पलेस हुए तो? अगर वो भी दी को नहीं छुड़ा पाए तो क्या? आयुष नीलम आंटी ने कहा है ना कि कोई भी दी की मदद नहीं करेगा। अगर नहीं, चीचू चीचू आंटी के खिलाफ नहीं जाएंगे। शालू मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, क्यों खड़ा हूँ? लक्ष्मी भाभी को सपोर्ट करने के लिए, मामी के खिलाफ जाने के लिए नहीं। एंड सेम गोज विद ऋषि भाई ऑल्सो। ऋषि भाई मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा मामी का है, उनकी लाइफ में है, पर लक्ष्मी भाभी का दर्जा कम नहीं है शालू। वो आएंगे शालू, वो आएंगे, जस्ट वेट फॉर हिम। वो आएंगे और भाभी को छुड़वाएंगे। तब तक हमें ये मेक श्योर करना है कि हम ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से भाभी के अगेंस्ट ये केस जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं आयुष, नहीं आयुष मैं नहीं समझ रही हूँ। आयुष तुमने बता दिया, मेरी एक ही बात करी, एक ही बात हटी जा रही है। ऋषि ऋषि ऋषि, अगर ऋषि जी जो नहीं गए ना तो वो टूट जाएगी आयुष, पूरी तरह से टूट जाएगी। शालू इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऋषि भाई आएंगे, वो जरूर आएंगे,
और गॉड फॉरबिड किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अगर वो नहीं आ पाते ना, तो मैं हूं ना शालू, जान लगा दूंगा, सबसे लड़ पड़ूंगा, कुछ भी करूंगा, पर लक्ष्मी भाभी को वहां से बाहर निकलवाऊंगा। आई प्रॉमिस शालू। वो तुम्हारा होता है ना वो सीमेंट प्रॉमिस, तो सीमेंट प्रॉमिस। तुम्हारे साथ जो घर पे हुआ, जो बदतमीजी तुम्हारे साथ हुई, उसके लिए आई एम सॉरी। लक्ष्मी भाभी अरेस्ट हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया यार, उसके लिए भी आई एम सॉरी, रियली सॉरी शालू, दिल से। ये कान वाले दिल से नहीं, यहां इस दिल से, रियली सॉरी शालू। मैडम मैं जाऊं या आपको चलना है? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? तुमसे मिलने आया हूं। ऐसे जेल के अंदर क्योंकि मैंने तुमसे कहा था जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। तो देखो आ गए तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ हूं। तुम यहां नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा तो ये जगह तुम्हारे लिए? मिसेस ऋषि ओब्रॉय। हाँ अरे तभी तो मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। और सिंपल है लक्ष्मी, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगी, या फिर जहां तुम रहोगी वहां मैं रहूंगा। चले अभी। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए। ए कहां जा रही है? जैसे किसी का हाथ पकड़ के जा रही हो। ऋषि था यहाँ पे? सपना, खुली आंखों से? हाँ जेल में और कर भी क्या सकते हैं, चल जाके सो जा, कोई नहीं आने वाला है, जो आएगा सपने में ही आएगा, जाके सो जा। नहीं, ऋषि आएगा, वो जरूर आएगा, तुम आओगे ना ऋषि? आ रहा हूँ लक्ष्मी, डोंट वरी, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, नहीं रहने दूंगा तुम्हें जेल में। आते